Subscribe to Marg Tutorial YouTube channel and press this bell icon so you can stay updated with latest videos. हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मार्ग में ट्रांजैक्शंस मेन्यू किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। कॉन्फ़िगर मींस जो मेन्यू ट्रांजैक्शंस मेन्यू में आ रहे हैं, जैसे कि सेल बिल, परचेज बिल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ब्रेकेज एक्सपायरी या जो भी ऑप्शंस हैं जो आपके ट्रांजैक्शन मेन्यू में दिए गए हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके नाम चेंज कर सकते हैं और उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसकी नीड हमें कहाँ पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिफ्ट गैलरी में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे जनरली परचेज बिल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न में ही डीलिंग होती है। वहाँ पे उन्हें कोटेशंस, सेल ऑर्डर, प्राइस डिफरेंस सेल, प्राइस डिफरेंस परचेज मेन्यूज की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पे आप इन मेन्यूज को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सेल बिल की जगह इनवॉइस लिखा आए तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन का आपको ये बेनिफिट है कि जैसे आप अलग अलग ट्रेड में सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो आप हर ट्रेड की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें उतने ही मेन्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं जितने की उनको जरूरत है। आइए हम देखते हैं ये मार्ग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके ट्रांजैक्शन मेन्यू में ये ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव, ब्रेकेज एक्सपायरी इशू, रिप्लेसमेंट रिसीव। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, कोटेशन, ये ऑप्शन आपके पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन ऑप्शंस को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए आप ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव नहीं करना चाहते या ब्रेकेज एक्सपायरी इशू नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो इसे मार्ग सेटअप से ये दोनों ऑप्शंस डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप रिप्लेसमेंट रिसीव नहीं करते हैं और ना ही इशू करना चाहते हैं और ना ही सेव करते हैं, तो आप ये ऑप्शंस भी अपने मार्ग सेटअप से डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आप देख सकते हैं आपका सेल परचेज, आप चाहें तो ये नाम आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप सेल की जगह आप सेल इनवॉइस टाइप करवाना चाहते हैं तो आप इसे सेल इनवॉइस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं मास्टर्स में, फिर जाएंगे मार्ग सेटअप में और फिर हम जाएंगे कंट्रोल रूम में। जैसे आप कंट्रोल रूम ओपन करते हैं, आप देख पाएंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ आप जाएंगे इन्वेंटरी में, यहाँ आप इसे ब्लैंक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, आप देखेंगे आपके पास इन्वेंटरी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, सेल एंट्री रिक्वायर्ड। अगर आप सेल एंट्री रिक्वायर्ड को येस रखना चाहते हैं तो आप इसे वाई सेट कर देंगे। अदरवाइज आप कीबोर्ड से स्पेस बार की प्रेस करें तो आप देख पाएंगे यहाँ आपके पास ऑप्शन है एक्स, जिसका मतलब है नो। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्स सिलेक्ट करेंगे। अभी के लिए हम इसे येस रखते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आप देख पाएंगे आपका कर्सर सेल पे स्विच करता है। यहाँ अगर आप चाहें तो इसका नाम आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए सेल की जगह सेल इनवॉइस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसे सेल इनवॉइस कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास परचेज एंट्री रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है। अगर आप इसे येस करना चाहते हैं तो आप इसे वाई करेंगे, अदरवाइज आप एक्स सेट करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। और इसी तरह आप परचेज का नाम भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे परचेज इनवॉइस कर देते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है रिटर्न एंट्री रिक्वायर्ड। अगर आप प्रोडक्ट रिटर्न लेते हैं और अगर आप रिटर्न एंट्रीज चाहते हैं तो इसे येस रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्रेकेज एंड एक्सपायरी एंट्री। अगर आप ब्रेकेज एंड एक्सपायरी एंट्री नहीं करते तो आप इसे इस ड्रॉप डाउन से एक्स सेट करके कैंसिल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप रिप्लेसमेंट भी नहीं चाहते तो आप इसे भी एक्स सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास स्टॉक इशू एंड रिसीव, प्राइस डिफरेंस सेल एंड परचेज ऑर्डर, कोटेशन एंट्री रिक्वायर्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड जर्नल, चालान एंट्री, परचेज इम्पोर्ट, ईआरपी ब्रिजर एंड सो ऑन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जो चाहते हैं उसे एनेबल कर सकते और जो यूज में नहीं है उसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव चेंजेस को येस करके मेन मेन्यू पर आ जाएंगे। अब आप अगर अपना ट्रांजैक्शन मेन्यू चेक करें तो आप देख पाएंगे आपका ट्रांजैक्शन मेन्यू चेंज हो चुका है। जैसे कि आपके सेल की जगह सेल इनवॉइस प्रिंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास रिटर्न एंट्री जो है वो क्लोज हो गई है। जैसे कि आपने चेंज किया है, आप देख सकते हैं ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव, ब्रेकेज एक्सपायरी इशू अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से आप वापस ये ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं तो आप वापस मास्टर्स में जाएंगे, देन मार्ग सेटअप में जाएंगे और फिर कंट्रोल रूम में जाएंगे। फिर आप
इन्वेंट्री पे आते हैं, आप इसे सिंपली एक्सेप्ट करेंगे और आप चाहते हैं तो आप इसे वापस एनेबल भी कर सकते हैं। सिंपली आप ऑप्शन सिलेक्ट करके आप वाई टाइप करेंगे और आपकी ऑप्शंस जो हैं वो एनेबल हो जाएंगे। एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर आप सेव चेंजेस पे यस करेंगे। अब आप अपना ट्रांजैक्शन मेन्यू चेक करें तो आप देख पाएंगे आपके पास ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव, ब्रेकेज एक्सपायरी इश्यू, रिप्लेसमेंट एंट्रीज जो हैं वो आपके पास वापस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा हम मार्ग में ट्रांजैक्शन मेन्यू किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।